हेलो दोस्त, हम आप लोग को बताए थे कि हम अपने घर पे थर्माकोल से एक छोटा सा इनक्यूबेटर मशीन तैयार किए हैं, और वीडियो में दिखाए भी थे आप लोग को कि थर्माकोल का इनक्यूबेटर मशीन में हम 200 अंडा डाले हैं एक से चूजा निकालने के लिए। तो मेरा मशीन तो एकदम सक्सेसफुल रहा, और हम आप लोग को अब दिखाना चाहेंगे। इसमें से अभी तो बच्चा निकलना शुरू भी हो गया है और 4 बच्चे निकल भी गए हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं अपना एक छोटा सा इनक्यूबेटर मशीन। तो ये देखिए, इनक्यूबेटर मशीन थर्माकोल का पूरा सक्सेसफुल रहा और सक्सेसफुल भी है। इसका इस्तेमाल तो हम पहले भी कर चुके थे, 2-3 बार बच्चा निकाल चुके हैं इसमें से। और आप लोग भी देखिए, इस 4 बच्चे निकले हैं अभी शाम में, जो कि कड़कनाथ चूजे के बच्चे हैं, कड़कनाथ मुर्गिया के हैं। और ये देखिए, ये भी क्रेक हुआ है थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं। तो इन लोगों में से भी बच्चा निकल जाएंगे, ये सारे अंडे क्रेक हैं, सुबह तक बच्चा निकल जाएगा। और ये देखिए, कड़कनाथ के बच्चा कितना स्वस्थ है, कितना अच्छा ग्रोथ है इन लोग का, देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिस भी किसान भाइयों बहनों को कम से कम खर्च में अपने घर पे इनक्यूबेटर मशीन तैयार करना है तो कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, बहुत कम लागत में आप मशीन बना सकते हैं आप लोग अपने घर पे, और अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो हम तो बोलेंगे कि एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग अपने अपने घर में। किसान भाइयों बहनों लोग से हम बोलेंगे कि एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही कम खर्च में बहुत अच्छा मशीन बना सकते हैं अपने घर पे चूजा निकालने के लिए। देखिए रिजल्ट अभी कितना अच्छा आया है, जो हम मशीन घर पे अपना बनाए हुए हैं, और बच्चा भी बहुत स्वस्थ निकला है। हम एक हाथ में मोबाइल लिए हैं और एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं, बच्चे दिखा रहे हैं, तो ढंग से हम वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है, स्वस्थ है। इसमें आधा हम कड़कनाथ के अंडा डाले हैं और आधा सोनाली मुर्गी का अंडा डाले हैं। तो कड़कनाथ के तो निकलना शुरू हो गया है और सोनाली मुर्गी का भी निकल ही जाएगा। तो आगे का रिजल्ट फिर हम आगे आप लोग को अगले वीडियो में दिखाएंगे। सो दोस्त, गुड नाइट। आप सभी यूट्यूबर भाइयों लोग को और किसान भाइयों बहनों लोग को गुड नाइट।